दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवम अग्निहोत्री। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्टिकेरिया के बारे में। जानेंगे अर्टिकेरिया होता क्या है, इसके सिम्टम क्या रहते हैं, इसके कारण क्या रहते हैं, इसके लिए हम क्या क्या बचाव कर सकते हैं और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अर्टिकेरिया को दोस्तों पित्त या शीत पित्त भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में लाल चकत्तेदार दाने हो जाते हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। ये होता कैसे दोस्तों, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे शरीर को सूट नहीं करती है उससे एलर्जी हो जाती है, इसकी वजह से हमको पित्त उछलने लगती है। कोई भी ऐसी वस्तु जिसके संपर्क में आने से एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हमको अर्टिकेरिया हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके टाइप के बारे में। तो ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट अर्टिकेरिया और क्रोनिक अर्टिकेरिया। एक्यूट अर्टिकेरिया में अगर आपको 6 हफ्ते से कम अर्टिकेरिया है, पित्ती 6 हफ्ते से कम आपको उछल रही है तो ये एक्यूट अर्टिकेरिया होता है। क्रोनिक अर्टिकेरिया मतलब 6 हफ्ते से ज़्यादा आपको हो चुके हैं तो इसको क्रोनिक अर्टिकेरिया कहा जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके कॉज के बारे में। तो दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में अर्टिकेरिया का कॉज नहीं पता चला है, लेकिन हाँ ये है, ये एक एलर्जिक रिएक्शन है। किस चीज़ के संपर्क में आने से आपको एलर्जिक रिएक्शन होता है इसका पता चले तो ये इसका कॉज होता है। जैसे कि अगर आपको धूप में एलर्जिक रिएक्शन होता है, आपको ठंडे से प्रॉब्लम होती है, या आपको कोई केमिकल रिएक्शन से हो गया है, या आपको किसी कीड़े ने काटा या किसी मधुमक्खी ने काट लिया, उसकी वजह से भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों उसके साइन और सिम्टम की। तो दोस्तों, आपको शरीर में कहीं पर भी, चेहरे पर, गर्दन पर, हाथ पर, हथेली पर, उंगली पर, कहीं पर भी मोटे मोटे उभरे हुए चकत्तेदार दाने हो जाएंगे। मैं पिक्चर लगा लूँगा तो आप देख लीजिएगा, दाने हो जाएंगे, उनमें बहुत ज़्यादा खुजली मिलती है। जितना आप खुजलाएंगे वो उतनी बदतर होती जाती है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ये अपने आप ठीक हो जाती है, फिर नए दाने निकल आते हैं। ये दोस्तों इसके साइन और सिम्टम। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके प्रिवेंशन के बारे में, क्या क्या बचाव रखने चाहिए, क्या क्या ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आपको कारण पता चलता है कि किस चीज़ से आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, अगर वो पता चल जाता है तो उससे बचाव रखें तो बहुत बेटर है। अगर आपको पित्ती उछड़ती है तो आप टाइट कपड़े ना पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने तो बेटर रहेगा। अगर आपको लगता है किसी दवा के रिएक्शन से आपको पित्ती उछल रही है तो तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लें। इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन। तो सबसे पहली मेडिसिन दोस्तों है R84। यह आपके बॉडी से एलर्जिक रिएक्शन को ख़त्म करेगा। काफ़ी सारी मेडिसिन आती हैं, R84 बेस्ट है एलर्जिक के लिए। तो इसमें से 10 बूंद आपको सुबह, 10 शाम को, दिन में 2 बार ले लें। थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें 10 बूंद डाल लें और दिन में 2 बार लें। 10 बूंद सुबह लेना है, 10 शाम को। दूसरी मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस क्यूब। ये मदर टिंचर आता है, इसमें से 10 से 15 बूंद आपको सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार लेना है। थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें 10 बूंद डालें, 10 बूंद सुबह, 10 दोपहर में, 10 शाम को, ऐसे 3 बार हो जाए। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर। ये टेबलेट फॉर्म में आती है, इसमें से 4 टेबलेट सुबह, 4 दोपहर में, 4 शाम को, दिन में आपको 3 बार लेना है। तीसरी मेडिसिन दोस्तों सारसा प्लस सीरप। यह ब्लड प्योरीफायर सीरप है, बहुत अच्छा है। इसमें से 2-2 ढक्कन आपको सुबह, शाम, दिन में 2 बार तक लेना। और दोस्तों काफ़ी सारी मेडिसिन है, लेकिन वो मेडिसिन आप सिम्टम के आधार पे ही लें और डॉक्टर से सलाह करके ही लें। जैसे कि एपिस है, रेस्टॉक्स है, डलका मारा है, ऐसी काफ़ी मेडिसिन है अर्टिकेरिया की, लेकिन यह मेडिसिन आप डॉक्टर से सलाह से ही लें। अगर आपको एक्यूट केस में है तो मैंने जो आपको 4 मेडिसिन बताई ये आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक हो जाए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।